नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। राजधानी में खुला कृष्णा मल्टी स्पेशलिस्ट हेल्थ सेंटर। बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया, वहीं अस्पताल प्रबंधक मनीष कुमार भी वहां मौजूद थे। विधायक संजीव चौरसिया ने कहा कि इस तरह के स्वास्थ्य केंद्र खुलने से लोगों को काफ़ी सहूलियत होती है, जबकि अस्पताल प्रबंधक ने कहा कि इस हेल्थ सेंटर में OPD की सुविधा दी गई है, साथ ही सप्ताह में एक दिन आम लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा जाँच की भी व्यवस्था की गई है। सेंटर में नहीं भैया, अरे बीच सेंटर में सब पूरा जितना वीडियो उतने का लगा देंगे, क्योंकि तुम यही वीडियो सब भेजा MTS पर कोई खोल पाएगा ना। हां तो बस हो गया, इतना वीडियो हम करते हैं। आप बुकिंग हो इधर एकदम बताइए ना रोड पर कंडीशन है। हां ठीक है, चल घूम जा बाबू। हां ये हां मनीष पीछे हो जाइए, थोड़ा सा आप पीछे हो जाइए। मनीष जी के द्वारा जो प्रारंभ किया गया है, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। आज इस क्षेत्र में किया गया है, पूरा दीघा से लेकर यहाँ बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जन जन की आवश्यकता यहाँ रखते हुए जिस प्रकार से दृष्ट व्यवस्था यहाँ प्रकार की गई OPD से लेकर दवा के स्थान से लेकर हर विषय को लेकर अलग अलग प्रकार से यहाँ जो सुविधाएं प्रकार की गई है, ये अपने आप में बहुत इस क्षेत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। और जो इन लोगों के एक विचार है कि फ्री हेल्थ चेकअप भी कैंप भी यहाँ पर आरम्भ क्रमशः रेगुलर बेसिस पे यहाँ करने वाले हैं, कि ये जन भावना के साथ ये केंद्र प्रारंभ किया गया है। भावनाओं से प्रेरित होकर जन सेवा के हिसाब से मल्टी वर्कशॉप में प्रारंभ किया गया है। मान्य जन विजयदशमी के लिए मेरी बहुत हार्दिक शुभकामना है, और हमारे एक बड़ा स्वरूप यहाँ पर सिर्फ OPD का सुविधा दिया जा रहा है, ENT और आपका डायग्नोसिस और आपका ये आँख का पूरा सेटअप है, यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह सब आँख का फुल्ली हॉस्पिटल है। फ्री चेकअप भी होगा। हम लोग एक दिन निर्धारित कर रहे हैं, जो हर एक मान लीजिए रविवार करते हैं तो हर रविवार को एक चीज़ का हम फ्री इलाज करेंगे। नाम क्या था? मेरा नाम मनीष हुआ। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन भारत न्यूज़। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई खबर छूट न पाए।